सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और आज है वोटिंग डे 19 अप्रैल। दीदी क्या बजाओ वोट वोट क्या बजाओ तू वोट मोदी पर कमलापुर पर है कमलापुर पर ध्यान वोट मोदी है हां मोदी सरकार। तो पहाड़ों में उत्तराखंड में देश के कई कई राज्यों में मोदी काफी पॉपुलर हैं और रूरल एरिया खास करके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे मोदी की काफी ज्यादा लहर है। और उत्तराखंड में काम कुछ नहीं हुआ है ग्राउंड पे, लेकिन नेताओं का नाम है वोट मोदी को देना है। लोगों ने चाहे उनकी शक्ल नहीं देखी लेकिन नाम पता है कि मोदी मोदी और वोट उसी को देना है। काम तो कुछ नहीं हुआ पहाड़ में अपना। अरे करेंगे कुछ, सारे लोग हमारे बेरोजगार है। अरे आपके वो ना लोग यहाँ से प्लान करके बाहर जा रहे हैं। अरे कोई रोजगार ही नहीं तो मुझे बहन नहीं जाने के हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मेरी पैतृक भूमि छोड़ के जा रहे हैं। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है बताओ। हिमाचल में देखो आप, हिमाचल में वहाँ के लोग कहीं नहीं जाते हैं। हमारा गांव यहाँ से काफी दूर है, कम से कम 4-5 देखो बड़े जी देखो उम्र देखो उनकी, पैदल आए हैं है? 4-5 किलोमीटर से पैदल आए हैं। तो बूथ सिस्टम गलत है ना, इतनी दूर कौन आएगा वोट देने भाई। घर घर में लगा हमारे गाँव से यहाँ तक आने में कम से कम 1 घंटे का रास्ता है, इतनी दूर कौन आएगा। जबकि नीचे स्कूल है वहाँ पे बूथ बन सकता था, अरे इसमें दिक्कत है क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनको कौन जाएगा इतनी दूर। पैदल का रास्ता तो यहाँ से कम से कम 4-6 किलोमीटर है पैदल का रास्ता। ये बहुत पुरानी मार्केट थी हमारी चौरी की मार्केट, यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी है। और कितनी दूर आते थे पहले हम, अब ये पूरी मार्केट जो खंडर होगी, पूरी बंजर होगी मार्केट। नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ऐसे तो बोलने लगे हम तो सब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी राहुल गांधी बोल तुम्हें राहुल गांधी मैंने बोल कर मोदी के लिए ना मोदी के लिए ना राहुल गांधी मोदी रोज ना इवरी राहुल गांधी भाभी नमस्कार नमस्कार मोदी की राहुल गांधी मोदी मोदी के राहुल गांधी मोदी जी अरे वाह मोदी के राहुल गांधी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी नरेंद्र मोदी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और आज है वोटिंग डे 19 अप्रैल। और हमारी वोटिंग है उस तरफ ऊपर की तरफ, इस तरफ है हमारी वोटिंग, जो हमारा पोलिंग बूथ है वो इस तरफ है ऊपर, तो वहाँ पे जाना है उस चोटी के उधर। तो पैदल से तो यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है और लगभग जो है आज 1.5 घंटे का रास्ता है ऊपर तक, बट हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे बाय रोड बाइक से, इधर से होके फिर पीछे से घूम के फिर ऊपर से और फिर ऊपर। तो यहाँ से काफ़ी दूर है पोलिंग बूथ। सुबह का मौसम देखो, आज सनी वेदर है, खिलखिलाती हुई धूप और वोटिंग डे ऑफ उत्तराखंड। और ये देखो यहाँ पे झंडे को देख के समझ गए होंगे कि किसकी किस पार्टी की ज़्यादा जो है आजकल जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। तो मैं लगभग जो है पहली बार जो है मैं लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर रहा हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और विधानसभा में मैं कर चुका हूँ, ये मेरा लोकसभा में पहली बार है। मेरे साथ एक बार जा रहा है वोट देने, क्या बार देना वोट किस पे देगी वोट पहले बता दे। पहले नहीं वहाँ अंदर जी तो सब सब मोदी या राहुल गांधी कौन है सबसे सही है, दोनों में सही कौन है? मैं मोदी पे सब मोदी वाले ज्यादातर हैं। पैदल नहीं नहीं बाइक में चल, आप पैदल चला ना, ये नहीं तो ज्यादातर मोदी वाले हैं। और क्यों है मैं अभी रीजन बताऊंगा। तुम क्या दिन वोट मोदी मोदी ज्यादातर मोदी वाले हैं। मैंने यहाँ पे जौ सुखाने के लिए रखे हुए और आजकल जौ की कटाई चल रही है, हर जगह जौ दिखेगा पहाड़ में। पैदल कब जाना था रोड खराब क्या नई रोड बनाई
ये कांग्रेस ही है। दीदी जी से पूछ रहे दीदी क्या बजाओ वोट वोट क्या बजाओ वोट मोदी पर कमला फूल पर ध्यान वोट मोदी है हां मोदी सरकार सारे मोदी वाले सारे तो पहाड़ों में उत्तराखंड में और देश के कई राज्यों में जो है मोदी काफी पॉपुलर हैं और उसके पीछे के कई कारण हैं। एक कारण नहीं, उसके पीछे के कई कारण हैं। जो रूरल एरिया खास करके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे मोदी की काफ़ी ज़्यादा लहर है और मतलब ये बोलते हैं ना जिसको कि जाना माना नेता, तो जाने माने नेता के तौर पे हैं मोदी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके। और उत्तराखंड में काम कुछ नहीं हुआ है ग्राउंड पे, लेकिन नेताओं का नाम है कि मोदी ने वोट मोदी को देना है। तो मैं किसी भी लेडीज से पूछूंगा ना यहाँ पे, तो वो सीधे मोदी का नाम लेगी। तो ये चीज़ इससे पहले कभी नहीं देखी होगी मैंने पहाड़ों में कि लोगों ने चाहे उनकी शक्ल नहीं देखी लेकिन नाम पता है कि मोदी मोदी, और वोट उसी को देना है। और उत्तराखंड के आप गांव-गांव में जाओगे, ग्राउंड पे उतर के देखोगे उत्तराखंड में, तो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है। आज भी जो है कई गांव ऐसे हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, खुद हमारा गांव रोड से कनेक्टेड नहीं है और कई सारी समस्याएं भी हैं। और ये है चिलेडी गांव। अभी हम चिलेडी गांव में, और यहाँ से व्यू देखो, थोड़ा सा और शाम होगी ना 3-4 बजे और भी अच्छा व्यू आएगा। अभी थोड़ा धूप स्ट्रेट पड़ रही है इस पर, तो इस गांव का बहुत अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पे मेरी ससुराल भी है, ये देखो ये अपना मायका देख रही है यहाँ से, यहाँ रहने थे मैं आते हैं। और बहुत ही अच्छा ऑसम व्यू एंड लुक एट द वेदर, सनी वेदर, खिलखिलाती तड़कती धूप। और आज मतदान, वोट दिए थे किस पे दिया वोट? दे दिया मोदी या राहुल गांधी? बस नहीं, मोदी या राहुल गांधी, दोनों में से एक। कमल ऊपर वाला जो सबसे टॉप में है ना, एक नेता चुना ना, मोदी या राहुल गांधी, कुछ बढ़िया। कमल कमल, अरे मोदी को दिया वोट, काम तो कुछ नहीं हुआ पहाड़ में अपना। अरे करेंगे कुछ, सारे लोग हमारे बेरोजगार है। अरे आप क्या वो ना, लोग यहाँ से प्लान करके बाहर जा रहे हैं, कई पार्टी हो गए, कई पिछले खराब करने वाले हैं, कोई सुधारने वाला है, है? दोनों तरफ हाथ मार, ग्राउंड पे उतर के तो कुछ काम ही नहीं हुआ। अरे काम नहीं हुआ तो आगे होगा भाई, हमारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्या काम होगा? कुछ हमारे में भी कमी होगी हमारे पब्लिक, अरे कोई रोजगार ही नहीं था, तो बहन नहीं जाने के, हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मेरी पैतृक भूमि छोड़ के जा रहे हैं। सही बात है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है बताओ? हिमाचल में देखो आप, हिमाचल में वहाँ के लोग कहीं नहीं जाते हैं, ऐसे है कि नेता अच्छा हमारा, बस नेता तो खैर भाई, लीडर अच्छा, मोदी लीडर अच्छा, मोदी लीडर ठीक है, मतलब ठीक है, उसके मतलब ये है कि उसके विरुद्ध में कोई इतना उससे तगड़ा नहीं है, नहीं है, तो इसलिए लोगों के पास में थोड़ा ऑप्शन भी नहीं है, है ना? ठीक है, ये हमारा गाँव सिरवाड़ी, नीचे बिल्कुल बहुत नीचे से आए हम पैदल, और हमारे गाँव अभी रोड भी नहीं गए, रोड भी नहीं गए, है चारों तरफ रोड चले गए, घर घर में रोड चले गए, लगड़ो जब रोड आ जली
अब देखो तो गोटाबाद तुम्हारा गांव यहाँ से काफी दूर है, कम से कम 4-5 देखो बड़े जी देखो उम्र देखो उनकी, पैदल आए हैं 4-5 किलोमीटर से पैदल आए हैं भाई। और हमारे यहाँ से अभी रोड सर्वे तो कई बार होगी लेकिन अप्रूवल नहीं आया अभी तक, नहीं आया है ना। सर्वे तो कई बार होगी बोली, सर्वे तो कई बार होगी, अप्रूवल नहीं आया कि यहाँ रोड जाएगी नहीं जाएगी। अच्छे हैं तो उसमें चार बुरे भी हैं। हाँ है? काम खराब कर रहे हैं, हाँ गाँव वाले हैं, गाँव वाले हैं और बाहर वाले पे नीचे से आए हैं, बिल्कुल नीचे हमारा गाँव बिल्कुल, और इधर से घूम के ठीक है बड़े जी तुम्हें ठीक है धन्यवाद। अब वो बचा जाना, आप जा जाना बोल दें। अच्छा ठीक है ठीक। और यहाँ से नज़ारा देखो व्यू, सुबह का नज़ारा बिल्कुल नीचे हमारा गांव, और वहां से घूमते हुए आना पड़ा। तो साहब सूरज किसको वोट दोगे आज? बीजेपी को, नंबर 1 का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। बाकी बीजेपी कोई व्यवस्था नहीं किसी की, मोदी नहीं बोले देने यार हम तो बीजेपी मोदी, बीजेपी नहीं मोदी भाई, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। अच्छा मतलब आज मैं का वोट रह गया, तो वो तो कई बूढ़े लोग नहीं आए वोट देने, मैं दादा था जवान था 17 है ना, तो लोग गाड़ी लगानी चाहिए यार बुजुर्ग ने, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता ना, तो बूथ सिस्टम गलत है ना, इतनी दूर कौन आएगा वोट देने भाई, घर घर में लगा। हमारे गांव से यहां तक आने में कम से कम 1 घंटे का रास्ता है, इतनी दूर कौन आएगा, जबकि नीचे स्कूल है वहाँ पे बूथ बन सकता था। ये बहुत बड़ी गलती है कि गांव के नज़दीकी बूथ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर। क्या पता देर की थी, अभी चोले खा गए बीच में, क्या पता अभी हम जो है अभी हम जो है हाँ भाई चमचा 5 किलोमीटर घूम के आए हैं, बताओ जो सड़क का रास्ता 5 किलोमीटर घूम के आए हैं वोट देने, हम बूथ नहीं पहुँचने वाले, और फिर यहाँ से भी अभी पैदल है काफ़ी, तो इसमें तो कई मतलब इसमें दिक्कत है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनको कौन जाएगा इतनी दूर पैदल का रास्ता, तो यहाँ से कम 4-6 किलोमीटर है पैदल का रास्ता, और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से जो है हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे दिखते हैं और सामने पाव गए, और तो रोड के बाद भी काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है वोट देने के लिए। ये बहुत पुरानी मार्केट थी हमारी, अब जो है पूरी खंडर हो गई है। मैं दादा सुबह 6 बजे ये वाली ये बहुत पुरानी मार्केट थी हमारी, चौरे की मार्केट, यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस भी है, और इतनी दूर आते थे पहले हम, अब ये पूरी मार्केट जो खंडर होगी, पूरी बंजर होगी मार्केट। आओ भाई साहब, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। हाँ है नरेंद्र मोदी मोदी और राहुल गांधी, मोदी मोदी इनको निकालो यहाँ से, निकालो राहुल गांधी बोल दिया हमने, जय नमक है वो ठीक से बोलो। तो ये पीछे है हमारा पोलिंग बूथ, और जंगल के बिल्कुल बीच में प्राइमरी स्कूल ये, लेकिन है बहुत दूर, तो क्षेत्र के हिसाब से हमारा जो पोलिंग बूथ है बहुत ही दूर है, तो थोड़ा नज़दीक होना चाहिए था, ये काफ़ी दूर है। तो वोट वाला लेकिन वोट वाला नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ऐसे तो बोलने लगे हम तो सब बोला से राहुल गांधी बोल लगे हैं नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी, सही बोल राहुल गांधी बोल यार तुम्हें पे राहुल गांधी राहुल गांधी मैंने बोल का ना मोदी के लिए ना मोदी के लिए ना राहुल गांधी मोदी तो रोज ना इवरी द राहुल गांधी बोले भाई राहुल गांधी की मोदी नहीं मैं तो अरविंद केजरीवाल जब तोड़नी केजरीवाल नहीं कोई बात नहीं मैं क्या तो जोड़ दूँ झाड़ू झाड़ू ले गए और लोकेशन देखो लोकेशन बहुत ही Awesome.
बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है स्कूल और बहुत काफी दूर है। शाम के टाइम पे ज्यादा आते हैं लोग वोटिंग करने, क्योंकि आजकल काम काज का सीजन चल रहा है। और भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मोदी की राहुल गांधी मोदी मोदी की राहुल गांधी मोदी जी अरे वाह मोदी की राहुल गांधी राहुल गांधी चाची कह रहे कि राहुल गांधी बटन उन मोदी बताओ। ये वाली ना बहुत पुरानी मार्केट थी हमारी चौरी मार्केट, अब ये पूरी खंडर होगी, ये पोस्ट ऑफिस है। अभी तो 25% वोट हो गई थी यूपी में। बीजेपी बीजेपी जी वहाँ तो बटन तूने उसका दबाया हाथ का, आपने देखा हम जुड़ के बोलेंगे छोटे अब आ गया वोट दिया राहुल नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी मोदी ने खूब दिन मतलब मोदी मोदी कोई बात नहीं बहुत दी दौड़ क्यों तुम नोना थे राशन फिर दौना ढूंढने पैसा तनखा से दौ 2000 रुपये भी दौ तो नौकर ठीक है बड़ी तुम्हें अच्छा। तुम जहाँ भी जाओगे ना पहाड़ों में, मैंने अब तक जिससे भी बात करी है सारे मोदी वाले हैं, कह रहे थे मर्जी वाले मोदी की राहुल गांधी बोले थे कुछ नहीं बोला। नमस्ते जी, मोदी की राहुल गांधी हैं? राहुल गांधी की मोदी कुछ नहीं बोल भी सकता है कुछ नहीं। तो अगर तुम यही देख लो हमारा पोलिंग बूथ देखो, जो है 5-6 किलोमीटर पैदल का रास्ता है और 5 किलोमीटर वही बाइक का भी रास्ता है सड़क से। तो पहले तो बूथ जो है इतनी दूर जो है गाँव में, अब बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे आएंगे इतनी दूर, ये चीज़ें जो है शॉर्ट नहीं अभी तक। हमारा बूथ बहुत पहले से ये दूर बहुत दूर है, तो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो यहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, उस मुद्दे पे जो है यहाँ पे उस चीज़ पे यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि वोट देना है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट लोग रोज़गार के लिए बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। जैसे हिमाचल में जो है लोग माइग्रेट बहुत कम होते हैं, माइग्रेशन कम है वहाँ पे, डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, वो कंडीशन उत्तराखंड की नहीं है, फिर भी लोग जो है समझते नहीं इस चीज़ को। ग्राउंड पे यहाँ पे कुछ भी अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लोगों का मुद्दा एक ही है वोट देने का कि फ्री राशन और पेंशन, बस यही है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ग्राउंड पे आप उतरोगे, आप यहाँ पे ज़मीन में गांव-गांव जाओगे चलोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो उत्तराखंड में बहुत सारी पॉलिसीज़ बननी बहुत ज़रूरी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम होना भी बाकी है, जिस पे जो है ना तो पिछली सरकार ने काम किया ना वर्तमान सरकार ने इस पे ध्यान दिया, और लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई जब तक कोई क्षेत्रीय नेता नहीं निकलेगा यहाँ से जो हमारे अपना होगा, जो जब तक वो ऊपर नहीं निकलेगा आगे नहीं निकलेगा तब तक उत्तराखंड का डेवलपमेंट जो है लगता नहीं है कि हो पाएगा कभी। और गांव की गांव जो है खाली होने से यहाँ कोई बचा नहीं सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा वोट भी जो है मोदी को ही था, और क्योंकि अपोजिशन में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी के टक्कर का हो, तो अपना वोट ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अपोजिशन में कोई गद्दावर नेता ना हो, कोई ऐसा नेता ना हो जिसका अच्छा विज़न हो, जो जनता के लिए काम करे, जनता के लिए अच्छे के लिए सोचे, तो ऐसा कोई नेता मेरे को दिखा नहीं है अपोजिशन में। और अपोजिशन में जो पार्टी है भी, जो उनके नेता लोग हैं भी, उनका कोई एजेंडा नहीं है वैसे, और उनका एक ही एजेंडा है कि सामने वाली पार्टी पे ही वो ब्लेम करते हैं कि वो चोर हैं, उसने खा लिया, उसने ये कर लिया। तो जब तक आप जनता के सामने एजेंडा लेके नहीं आओगे,
कि हम ये करके दिखाएंगे, हम इस चीज़ पे काम करेंगे, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये एजेंडा आप लेके नहीं आओगे लोगों के सामने, आप कभी जीत भी नहीं सकते हो। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।